हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हुई प्रचंड जीत पर जनता को दी बधाई। कहा, यह जीत विकास और राष्ट्रवाद का सफर रखेगी जारी, जातिवाद वंशवाद का होगा सफाया। लोकसभा चुनाव के मतगणना के अंतिम राउंड के बाद जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की घोषणा। दिया प्रमाण पत्र, कहा 3 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए हैं रवि किशन। बांसगांव से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर लगातार तीसरी बार कमलेश पासवान चुने गए हैं सांसद। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अमित सिंह बंसल ने प्रमाण पत्र देकर विजयी किया घोषित। सांसद बने रवि किशन बोले, यहीं आवास लेंगे, यहीं रहेंगे, स्टूडियो लगाएंगे, देंगे रोजगार, नहीं जाएंगे फ्रांस। बांसगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान ने कहा, जनता ने ऐतिहासिक जीत का मैंडेट देकर मोदी जी के विकास कार्यों पर लगाया है मोहर, जातिवाद पर चोट कर विकास को दिया है वोट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना हुई सकुशल संपन्न। भाजपा के रवि किशन ने 3 लाख से अधिक मतों से किया जीत हासिल। सपा के राम भुआल निषाद दूसरे पर, कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी रहे तीसरे स्थान पर। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने चुनाव में मिले जनादेश का किया स्वागत, कहा पिछली बार से अधिक मिला है वोट। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट पर जीत के बाद गोरखपुर न्यूज से बोले नव निर्वाचित सांसद रवि किशन शुक्ला, कहा योगी जी कृष्ण और हम हैं अर्जुन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर लोकसभा सीट से विजयी सांसद रवि किशन की धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा, गोरखपुर सुंदर था, है और रहेगा। सदर लोकसभा सीट पर भाजपा की हुई ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, यह जनादेश सबका साथ सबका विकास के उद्घोष का हुआ है साबित, मोदी और योगी हैं बधाई के पात्र। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों ने किया खुशी का इजहार, कहा विकास के मुद्दे पर हुई है जीत, मोदी के नेतृत्व में देश में बनी सशक्त सरकार। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला की जीत पर हिंदू युवा वाहिनी ने दी बधाई। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से प्रदेश महामंत्री ने कहा, रवि किशन की जीत योगी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की है जीत। मतगणना स्थल पहुंचने से पहले पत्नी संग रवि किशन शुक्ला ने किया रुद्राभिषेक। गोरखनाथ मंदिर में पूजा कर पहुंचे मतगणना स्थल पर। जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, अब की बार हुआ 300 पार, 2022 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी जीत की बधाई। और भाजपा की प्रचंड जीत पर शिवराज सेना ने मनाई एक साथ होली और दीपावली, कहा बड़े भैया रवि किशन की जीत पर मना रहे हैं जश्न।